सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद कादरी, प्रेसिडेंट आली गंगा नगर कलेक्टर एसोसिएशन। आप तमाम आवाम से मुखातिब हूँ, खासतौर से मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और तमाम तेलंगाना के आवाम को मेरी अपनी जानिब से ईद उल फितर की बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस उम्मीद के साथ जिस तरीके से हमने रमज़ान का मुतबर एक महीना बड़े खुशियों खुशियों के साथ गुजारा और इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने जो मुझे अदा किया, फतह अली खान इस बात की कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हुए अपनी आखिरत को संवारें। इस ज़िमन में मैं नौजवानों से और खसूसी तौर पर उन तमाम अस्हाब से जिन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे, इबादतें की और तलावियाँ का अहतमाम किया, अब इस एहतमाम को मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हमको अपनी आखिरत बनाना है तो आने वाले रमज़ान की अभी से अगर हम तैयारी शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाब होगा। खुसूसी तौर पर नौजवानों से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी से आप रमज़ान की तैयारी कीजिए। जिस तरीके से आप गुज़िश्ता रमज़ान में अपने औकात इबादतों में गुजारे, आने वाले रमज़ान की अगर हम उसका इस्तेमाल करने के लिए अभी से तैयार रहें तो यकीनन अल्लाह ताला इसमें हर किस्म की कामयाबी देगा। और एक खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि आज इस्लाह माशरा की बेहद ज़रूरत है, खुसूसी तौर पर नौजवानों से। उन नौजवानों से मैं पुरजोर और दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से ड्रग का इस्तेमाल, शराब नोशी, गांजे का इस्तेमाल, जिस तरीके से आज हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते इस बात की दुआ करना, मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा नौजवानों से कि अब भी वक्त से समझ जाइए, क्योंकि ये शराब का नशा ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। मेरी नौजवानों से खुसूसी तौर पर इस तरफ इस गुजारिश है कि अब भी वक्त है कि अपने आप को संभाल लीजिए, इन मुंशियात के इस्तेमाल से अपने आप को दूर रखिए ताकि आप अपने माँ बाप की, अपने आल औलाद की अपनी खिदमत कर सकें, क्योंकि ये मुंशियात की वजह से सारे कई कितनी ही जिंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, कितने जो है नौजवान अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर चुके हैं, कितने ऐसे नौजवान जो अपने माँ बाप की खिदमत से महरूम हो चुके हैं। और माँ बाप का भी ये हाल है कि नौजवानों की इस मुंशियात की नालत की वजह से वो लोग किस तरीके से परेशान हैं, तो मैं खुसूसी तौर पर अल्लाह और अल्लाह के वास्ते का उनको वास्ता देते इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि नौजवानों अब भी वक्त समझ जाइए, शराब नोशी, गांजा, ड्रग्स जो भी ले रहे हैं अपने आप को छोड़ते हुए, इस बात की आप कोशिश कीजिए कि नमाजों की तरफ राजिब होइए, दीन की तरफ राजिब होइए, कुरान पढ़िए, दीनों इस्लाम के जो है बातें आप सीखिए, ताकि ये जो मुंशियात का जो मामला है, जो शराब नोशी का मामला है, ये ड्रग का मामला है, इसकी वजह से लाखों जिंदगियाँ आप तक तबाह हो चुकी हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से इस बात की हमदर्दाना अपील करना चाहूँगा कि मुंशियात और ड्रग का इस्तेमाल या शराब या और जितने भी ये नशावर चीज़ें हैं आप इसको छोड़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का आपको वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस आदत को छुड़ाए और आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए आप अपनी आगे ज़िंदगी, आपका मुस्तकबिल संवारने के लिए आप आगे यकीनन काम करें। साहब, आपसे एक सवाल पूछने का ये था मेरे को, तेलंगाना गवर्नमेंट अब जो माइनॉरिटी के जो नई न्यू स्कीम्स आ रहे हैं उससे पब्लिक से क्या फ़ायदा होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, आवाम के सामने ये बात रखना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का भी मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप रिपोर्टर साहब ने मुझसे सवाल किया कि तेलंगाना की क्या क्या स्कीम आती है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि तेलंगाना की कोई स्कीम 2014-15 के बाद से, एक्सेप्ट शादी मुबारक स्कीम, तो कोई किसी किस्म की कोई वेकेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई, लोगों को जो है किसी किस्म का लोन नहीं दिया गया। 50,000 का लोन दिया गया था, नाकाबिले वापसी था, मगर वो भी किसको दिया गया वो भी आज तक उसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड पता नहीं है, कोई कौन लोग उसमें कितने मुस्तैद थे, कितने लोगों ने उसमें जो है उससे फ़ायदा उठाया। खुसूसी तौर पर मिस्टर चंद्रशेखर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, निज़ाम के तर्ज हुकूमत हुकूमत चलाने का जो है आप बुलंद बांग दावे करते हैं, तो मैं उनसे ये खुसूसी तौर पर आज ये मैं उनसे मुतालबा करना चाहूँगा कि अब तक जितनी भी स्कीमात माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए शुरू की गई थी अब तक मैं समझता हूँ कि बजट तक रिलीज़ नहीं किया गया। ख़ास तौर पे वेकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग और जो है बहुत से ऐसे स्कीमात हैं, टेलरिंग का मामला है या
और फोर व्हीलर टू व्हीलर ट्रेनिंग का मामला है, किसी किस्म के इस्तेमाल नहीं है, सब ठप होकर रह गई हैं, ठप इस वास्ते होकर रह गई हैं कि आज माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का हाल ये हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हाल ये हो गया है कि कांति बेसली जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो चेयरपर्सन है उसको लाके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बिठाया गया है। मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हम भी बड़ी आपके दिल से इज्जत करते हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी मखलूआ जायदादें हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो या उर्दू अकाडमी हो, तो आप जल्द से जल्द जितना बजट उनको मुख्तस किया गया है ताकि तमाम स्कूमात को शुरू करते हुए माइनॉरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो। खसूसी तौर पे आज उर्दू अकाडमी का हाल ये है कि ना वहाँ पर चेयरमैन है, ना वहाँ सेक्रेटरी है, ना वहाँ किसी किस्म का कोई बजट है, और खसूसी तौर पे सहाफ़ियों के लिए जो स्कीमात शुरू की गई थी वो भी ठप होकर रह गई हैं। सहाफ़ियों के लिए जो भी स्कीम थी वो भी ठप होकर रह गई हैं। बड़ी मुश्किल से 3 महीने की तनख्वाहें, अब एक दो दिन पहले उनको तनख्वाहें रिलीज की गई हैं। मैं इस मामले में आपके हमारे अर्दिल अजीज जनाब केटीआर साहब से भी इस बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि आज जहाँ पर आप लोग हमेशा इस बात का जो है ऐलान किया जाता है कि सबसे अव्वल तेलंगाना की रियासत है जहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीमत चलाई जा रही हैं, मगर मैं नहीं समझता, एक मरतबा अली जनाब केटीआर साहब से मेरी पर्सनल गुजारिश ये है कि आप ज़रा नज़र डालिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पे या उर्दू अकाडमी पे, या डालने के बाद आपको उसके बाद का अंदाजा होगा कि कितनी वेलफेयर स्कीमात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तारीख से जनाई जा रही है, कितनी स्कीमात उर्दू अकाडमी की तारीख से जनाई जा रही है, तो आपको इस बात का यकीन होगा कि बजट ना होने की वजह से आज तमाम स्कीमात ठप होकर रह गई हैं। फिर एक मरतबा चंद्रशेखर राव साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो सेकुलर हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यानी ज़्यादा से ज़्यादा बजट ऑन पार विद द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, अगर आप बजट रिलीज करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में कियारत हुकूमत की भी नेकनामी होगी और मुसलमानों का भी इसमें ख़ास तौर से फ़ायदा होगा। साहब आपसे और एक सवाल है, एक 3-4 दिन पहले अमित शाह दिल्ली से हैदराबाद विज़िट करे, भी उनके बयानबाजी में ये बोले कि ST SC BC को फ़ायदा होगा और हैदराबाद के अंदर हिंदू राज होगा और माइनॉरिटी जो भी है ये 4% जो रिजर्वेशन है माइनॉरिटी का ये सब ख़त्म कर देने वाले हैं, सिर्फ SC BT को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है साहब? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे तवील और सबसे अच्छा दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के लिए बनाया था, जो सबसे अच्छा दस्तूर था जिसमें उन्हें तमाम हिंदुस्तान के तमाम तबकात जितनी अकवाम हिंदुस्तान में रहती हैं उनके लिए तमाम तर सहूलतों के साथ ये दस्तूर बनाया था। तो आज मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमित शाह ने आकर यहाँ पर कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये खुले तौर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जमहूरियत में जो जमहूरियत को जो पामाल करते हुए जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करता हूँ और रियासती हुकूमतों और मरकजी हुकूमत और खुशी तौर चंद्रशेखर राव साहब जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हैं, जो सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमित शाह ने यहाँ नफरत का माहौल पैदा कर किया है, जिस तरीके से जहर अफजानी की है, जिस तरीके से मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात की है, तो चंद्रशेखर राव साहब ये वक्त का अहम तकाजा है कि आप मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए यकीनन आप इसमें कुछ ना कुछ इकदाम करना आपके लिए ज़रूरी है। और अमित शाह साहब जो आप मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, आपको इस बात को यकीनी बनाना है कि आप जो है सिर्फ हिंदुओं के जो है वजीर दाखिला नहीं है, आप तमाम अकवाम जो हिंदुस्तान में रहती हैं उन तमाम के जो है वजीर दाखिला हैं, आपको तमाम अकवाम को हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सबके जो हकूक़ हैं उनको अदा करना आपको ज़रूरी है। आपने जो बात कही है कि रिजर्वेशन इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जो है दस्तूर की खिलाफ वर्जी है और दस्तूर की धज्जियां उड़ाने के मुतारिफ़ है। ठीक है साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।